नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज चावल की खीर बनाएंगे, बहुत बढ़िया, एकदम जो है मलाईदार चावल की खीर बनाएंगे। चावल की खीर बनाने के लिए हमने कुछ जो है ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे मखाना है, नारियल है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, इन सबको हम जो है काट लेंगे। और हमने थोड़े से जो है केसर के धागे लिए हैं। और ये हमने दो मुट्ठी चावल है, इसको जो है एक घंटा पहले सोख करके रखा था, ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इन्हीं से हम जो है खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए हमने जो है गैस के ऊपर 1 लीटर फुल क्रीम दूध चढ़ा दिया है, दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हमने चावल जो सोख करके रखे थे उसको डाल देंगे, ये सारा चावल हम इसमें डाल देंगे, 2 मुट्ठी चावल है ये। अब इसको लगातार हमें चलाना है, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो ये नीचे जो है चावल जो है हमारे जल जाएंगे और खीर का स्वाद पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसको चलाते रहना है। जब तक हमारे ये जो है चावल पक रहे हैं, इसमें एक उबाल आने देंगे, तब तक हम जो है हमने जो है ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं उनको जो है फ्राई कर लेते हैं। 1 टेबल देसी घी हम जो है इसमें डाल देते हैं पैन में, और ये सारा ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से भून लेंगे, थोड़े जो है क्रंची हो जाएंगे। भून के जब हम ड्राई फ्रूट खीर में डालते हैं तो बहुत अच्छा सा स्वाद आता है इसका जो है। इसका थोड़ा सा कलर हमारा चेंज हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट हमारे जल जाएंगे। इधर हम खीर को चेक कर लेते हैं, खीर में अच्छा से उबाल आ गया है, आधे चावल हमारे पक गए हैं। अभी सारा ड्राई फ्रूट हम खीर में डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम जो स्लो कर देंगे, अब धीमी आंच पे ही हमें इसको खीर को बनाना है। ये 8-10 जो है हम केसर के धागे इसमें डाल देते हैं। केसर के धागे डालने से खीर में कलर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे, स्लो पे ही इसको हम खीर को पकाएंगे। ये 80 ग्राम करीब हमने जो है चीनी ली है, इसको भी खीर में डाल देते हैं। चीनी को हम जो है घुलने देंगे खीर के अंदर। अभी अच्छी बढ़िया खीर जो हमारी गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो जाएगी। अभी इसको हमें जो है पकने देना है कम से कम 6-7 मिनट तक, स्लो गैस पर ही इसको हमें जो है पकने देना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हरी इलायची का पाउडर डाल दे रहे हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये खीर हम आपको पास से दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया जो बिल्कुल मलाईदार गाढ़ी की हमारी खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। चावल और दूध एकदम एक में जो है मिल गए हैं अच्छे से। अब इसको हम जो आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जो है बाउल में खीर को सर्व किया है और थोड़े से बादाम के कतरन से हम ऊपर से इसको सजा देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये खीर आपको कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।